दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव के दौरान देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे खचाखच भीड़ और यहां पर ये हंगामे की तस्वीर। मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आज चुनाव होना है और इसी को लेकर आप देखिए कैसे हंगामा यहां पर हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी न्यूज दिखा रहा है। बैरिकेडिंग दिखाई नहीं देगी आपको क्योंकि हर कोई पार कर चुका है। यहाँ पर हंगामे के जो हालात हैं वो पैदा हो चुके हैं। ये देखिए धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे सलूक किया जा रहा है। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ मारपीट भी हो रही है। ये एमसीडी मेयर चुनाव का दिन है और आप देखिए कैसे ही तस्वीर निकलकर सामने आई। धक्का मुक्की हो रही है, हंगामा हो रहा है, मारपीट भी हुई, नारेबाजी हो रही है जोर जोर से। मतदान के दौरान हाथापाई की खबर भी आ रही है और देखिए कैसे ये जो नारेबाजी है ये और तेज होती जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एमसीडी मेयर चुनाव का दिन आज और इसमें यहां पर हंगामा होता हुआ, हाथापाई होती हुई, मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है और जोर जोर से नारेबाजी हो रही है। आज मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव होना, मतदान, और उसमें आप ये देखिए कैसे ये पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हंगामा शुरू हो जाता है, हाथापाई शुरू हो जाती है, जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हो जाती है। बैरिकेडिंग क्रॉस कर दिए गए हैं, हाथापाई की नौबत आ गई है, जोर जोर से नारेबाजी हो रही है। एमसीडी का चुनाव हो चुका है और अब मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना है और इसी में ये हंगामा आप देखिए कैसे हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प मेयर चुनाव में, ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मारपीट भी हुई है, हाथापाई हुई है, बैरिकेडिंग्स को पीछे कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी अगर बीच बचाव के लिए आए उन्हें हटा दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। ये सिविक सेंटर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मेयर चुनाव को लेकर यह संग्राम छिड़ा हुआ है, सिविक सेंटर में यह संग्राम हो रहा है। ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए कैसे जब जो वहां पुलिस बल की तैनाती थी। तरुण कालरा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। तरुण बताइए पूरा मामला कैसे ये हंगामा शुरू हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं आपको हंगामे की तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां पर दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हंगामा इस वजह से शुरू हुआ है क्योंकि सदन की जो कार्यवाही रखी गई उसके अंदर जो एलजी की तरफ से मनोनीत पार्षद हैं जिनको एल्डरमैन कहा जाता है उनकी शपथ पहले कराई गई, लेकिन जो सबसे पुराने पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल, उन्होंने इस कार्यवाही का विरोध किया। उनका ये कहना था कि पिछले कई सालों से मैं इस सदन का हिस्सा रहा हूं लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले कराई गई हो और चुने गए पार्षदों की शपथ बाद में कराई गई हो। और मुकेश गोयल के इशारे के ऊपर यहां पर हंगामा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शुरू किया और उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर पीठासीन अधिकारी मौजूद थे, जहां पर प्रोटेम पार्षद जो थी प्रोटेम मेयर सत्या शर्मा, उनकी शपथ दिलाई गई थी और उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होनी थी, उसके बीच में ही यह हंगामा शुरू।
शुरू हो गया है। यहाँ पर आप सुरक्षा बलों की भी भारी संख्या देख सकते हैं। किसी तरीके की आपाधापी या हाथापाई की नौबत पार्षदों के बीच में ना आए, चूंकि हर एक पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, लगा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी हाय हाय के नारे लगा रहा है। और यहाँ पर इस समय व्यवस्था पूरी तरह से ठप होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी वक्त पार्षदों के बीच में जो ये नोक झोंक है वो आपाधापी या फिर हाथापाई में बदलने की भी आशंका है। एमसीडी हाउस का गठन हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसके बाद ये सदन की पहली बैठक थी, और इस पहली बैठक के अंदर इस तरह के हंगामे की तस्वीरें एक तरह से ट्रेलर की तरह है कि एमसीडी की कार्यशैली आगे किस तरह से चलेगी। क्योंकि माना यह जा रहा था कि मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत सकती है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है उसके अंदर बीजेपी को मदद मिली है। एलजी ने जिस तरह से मनोनीत पार्षदों को तीन जोन के ऊपर लगाया है, ये वे तीन जोन थे जहां पर बीजेपी कमजोर थी और आम आदमी पार्टी अब कमजोर हो गई है। माना जा रहा है कि 18 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें 10 सदस्य बीजेपी के चुनकर जाएंगे, 8 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुनकर जाएंगे। लिहाजा ऊपरी सतह के ऊपर तो एमसीडी के ऊपर माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन एमसीडी की सबसे शक्तिशाली कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बीजेपी का हो जाएगा। और इसकी बानगी हमें आज ट्रेलर के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। सदन की पहली बैठक जहां पर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी के साथ महिला पार्षद हो चाहे पुरुष पार्षद हो, मैं वहां पर मौजूद हूं, वो समझाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी धकेल दिया। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ एक जो पार्षद हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई पार्षद हंगामा नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि ये लगता है कि जो ये हंगामा होता है चाहे वो किसी भी विधानसभा हो या फिर हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर हो, ये एक कॉल बड़े नेताओं की तरफ से पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी के तौर पर ली जाती है कि चूंकि इस बैठक का जो अंतिम पड़ाव है यहाँ इस दहलीज पर पहुंचने वाला है, लिहाजा हंगामा करके इस तरह की बैठकों के अंदर दिल्ली की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एलजी जो व्यवस्था दे रहे हैं, जिस व्यवस्था के हिसाब से एमसीडी का हाउस चल रहा है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्रिगर किया गया है हंगामा, और मुकेश गोयल उसकी अगुवाई कर रहे थे। जाहिर तौर पर उनका यह आरोप था कि एल्डर मैन जो व्यवस्था में पहले भी थे लेकिन उनकी शपथ चुने हुए पार्षदों के बाद कराई जाती थी, लेकिन ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है कि छठे बार के जो जीते हुए पार्षद हैं मुकेश गोयल, उनकी अगुवाई के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी जो पार्षद हैं चुने हुए पार्षद वो वेल के अंदर आ गए हैं और हंगामा बदस्तूर जारी है। इस समय व्यवस्था पूरी तरह से एमसीडी हाउस की ठप होती हुई दिखाई दे रही है। तरुण, लेकिन इस मामले को शांत कैसे कराया जाएगा? एक पूरी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना है, लेकिन अगर ये पहली तस्वीर ये बानगी है तो फिर कैसे काम होगा? जो वादे किए गए हैं जनता से वो कैसे होंगे पूरे? देखिए, जिस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता था कि एलजी बनाम दिल्ली सरकार टसल, अनेक विवाद होते थे, एलजी का नाम बदल जाया करता था, लेकिन वर्सेस केजरीवाल सरकार वो 2013 से या फिर कहें कि 2015 से जब आम आदमी पार्टी 67 जी से जीत के आई थी, तब से अनेक मामलों के अंदर ही होता हुआ दिखाई दिया था। वही होता हुआ अब एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार भी होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर एमसीडी के मेयर चुनौतियां महसूस करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष के की कार्यशैली के ऊपर। लिहाजा जो दिल्ली सरकार बनाम एलजी हमें एपिसोड दिल्ली की राजनीति में देखने के लिए मिलता था, अब दिल्ली मेयर बनाम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने की पूरी संभावना है। क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव की व्यवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष भी चुन लिया जाएगा और जोन कमेटियों के अंदर बीजेपी एल्डरमैन की बदौलत अपने ज्यादा उम्मीदवार जिताने में कामयाब होगी। जो स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का रेशियो है वहां पर बीजेपी 10 पर आ जाएगी, आम आदमी पार्टी 8 पर आ जाएगी, जबकि जनादेश जो था एमसीडी के 250 पार्षदों का वो आम आदमी पार्टी के फेवर में था। लेकिन जो एल्डरमैन है जो वोट की ताकत रखते हैं जोन कमेटियों के चुनाव के अंदर, इस पर बीजेपी का कोई पक्ष है क्या? एल्डरमैन की बात जिसका जिक्र आपने किया, जहां से ये पूरा हंगामा शुरू हुआ तरुण, इस पर कोई बीजेपी का पक्ष है? कोई कुछ आपकी किसी से बात हो पाई है? देखिए, बीजेपी का पक्ष, रेखा गुप्ता से हमारी सुबह के वक्त बात हुई जब वो एंटर कर रही थी इस हाउस की मीटिंग के अंदर, जो कि मेयर पद की प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना था कि जब बीता साल आया है, जब एमसीडी 3 भागों के अंदर थी,
तब हर एक भाग से 10-10 एल्डरमैन चुनकर आया करते थे और वो एलजी ही नियुक्त किया करते थे। जब तक आम आदमी पार्टी को व्यवस्था सूट करती हुई दिखाई देती है, एलजी उनके नामों के ऊपर मोहर लगा देते हैं, तब सवाल नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन जब एलजी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, तब आम आदमी पार्टी उनके संवैधानिक अधिकार के ऊपर सवाल उठा रही है कि चुनी हुई सरकार की तरफ से जो नाम एलजी को दिए जाते हैं, एलजी को व्यवस्था यही है कि उन्हीं नामों के ऊपर आखिरी मोहर लगानी चाहिए। लेकिन उपराज्यपाल ने जो नाम तो आप देख रहे हैं तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कुछ पार्षदों के बीच में जी तरुण अपनी बात पूरी करें। देखिए, जहां तक ये सवाल है कि क्या ऐसे ही चलेगा, ये आज की जो हाउस की प्रोसीडिंग है ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी पार्षदों को एक तरह से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रदर्शन करने दिया जाएगा, नारेबाजी करने दी जाएगी, धक्का मुक्की करने दी जाएगी। जब ये शांत हो जाएंगे, बस आपस में हाथापाई ना हो, जो यहाँ पर सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो एमसीडी हाउस से मैसेज देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश को जा रहा है वो बदनुमा ना हो। इससे दिल्ली की भी ख्याति खराब होती है, दिल्ली की छवि खराब होती है। हाथापाई सिर्फ पार्षदों में ना हो, हंगामा होने दिया जाएगा। जब हंगामा खत्म हो जाएगा तब पार्षदों से विनती की जाएगी कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा बने। लेकिन जिस तरह के तेवर दोनों ही पक्षों के पार्षदों के दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था वापस से शुरू हो पाएगी। इसके अंदर 30 मिनटों का समय लग सकता है, क्योंकि जो भी पीठासीन अधिकारी थे एमसीडी के, जो लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस पर बीजेपी की इंटेंशन पर सवाल उठाएगी। और जैसा आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये तो एक पुरानी प्रक्रिया है जो पहले से होती चली आ रही है, लेकिन जब तक सारे जो फेवर है वो आम आदमी पार्टी के तरफ होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस हंगामे को, इस समस्या को सुलझाया कैसे जाएगा? ये सिर्फ अब सदन के अंदर तक नहीं है ना, ये तो सड़कों पर भी हमने देखा। देखिए, इससे भी बुरी तस्वीरें, जब एमसीडी का मुख्यालय टाउन हॉल चांदनी चौक में हुआ करता था, तब तो पार्षदों के बीच में हाथापाई भी हुई थी, कुर्सियां चली थी, तब 134 का हाउस हुआ करता था। तो ये जो इतिहास है एमसीडी हाउस का, वो इसी तरह का रहा है। कुछ विवादों के कारण, कुछ पार्षदों की तल्खी के कारण हाथापाई भी एमसीडी के हाउसेस के अंदर देखने के लिए मिली है। लेकिन हमें अपने चुने हुए नुमाइंदों से ही ये पूछना पड़ेगा कि क्या इस व्यवस्था के लिए दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर एमसीडी हाउस में भेजा था, ताकि वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता की बात ना करते हुए एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करें। एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं, आपके पास आऊंगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और हम भी ये तस्वीरों के जरिए कहना चाहते हैं कि ये वो पार्षद हैं जिन्हें जनता ने चुना है ताकि उनके वार्ड का, उनके इलाके का विकास हो। आप देखिए कि ये विकास की पटकथा की तरफ इशारा करती है क्या तस्वीर? आप यहाँ पर पार्षदों को आपस में ना केवल हंगामा करते हुए, हाथापाई करते हुए देख रहे हैं, पुलिसकर्मी जो उन्हें बताने की कोशिश करता है, शांत करने की कोशिश करता है, उसको धक्का दे देते हैं, बैरिकेड लांग दिया गया है, महिला पार्षद इसमें शामिल है। तो जो मर्यादा होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, एक डेकोरम होता है, उसका ख्याल यहां पर किसी भी तरह से अगर लगता है इस तस्वीर को देखकर कि रखा जा रहा है, तो आप भूल जाइए। और जब जनता सवाल पूछेगी आपसे कि क्या आपको इस दिन के लिए चुनकर भेजा था, तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा? और तरुण, सबसे बड़ी बात ये, सबसे बेसिक सवाल तो यही है ना कि क्या ये आपसी लड़ाई अब जिस तरह की इस तस्वीर में दिख रही है, क्या ये जनता के वादों पर, जनता की उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं है? बिल्कुल कुठाराघात है, ये जनता की उम्मीदों से पूरी तरह से कुठाराघात है। ये तस्वीरें लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है और इसके लिए कोई पार्टी नहीं, सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।